भाई ऐसी कौन सी बात है यार, अपने भाई अपनी भाई सीन हो चुका खराब। यहाँ तो नीचे वाले को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस जिस पल का वेट था भाई वो पल आ चुका है भाई। मैंने पहले ही भी बोला था अपनी बांग्लादेश सीरीज स्टार्ट होने वाली गाइस, और चेक कर रहे हो भाई मिर्च लोड कर ली। तो गाइस काफ़ी भाई ना हमारा पीछा कर रहे थे, आ जाओ भाई दो, मैं तो चैलेंज कर रहे हैं, आ जाओ भाई। ऐसा नहीं है कि दिल्ली विल्ली चलेंगे तो कुछ भी बोलेंगे, स्टोरी वगैरह कुछ भी डालेंगे। चलो हम किसी को मुंह नहीं लगाते भाई, व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहीं से। और अभी तक जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया राजा रवि व्लॉग, सब्सक्राइब कर दो गाइस। और भाई अपने साथ एक गाड़ी है 14 चक्का, जहाँ देख रहे हो अपने वेस्ट बंगाल के, अपने भाई है वेस्ट बंगाल के, इन्होंने देखा बोला राजा भाई हमें मौका मिल गया आपके साथ चलने का, तो इकट्ठे जाएंगे भाई, तो इकट्ठे जाएंगे। अभी रस्सा तरपाल वगैरह कर लिया गाइस, और हाइट वगैरह पहले दिखा देते हैं। देख रहे हो हमारी गाड़ी की हाइट बिल्कुल डाउन है। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 12, सबसे लेट गाड़ी हमारी छूटी भाई, तेल डाले उसके बाद रॉकेट खींच के रखेंगे गाइस। दुआ करना ये वाला सफ़र बिल्कुल आसान रहे। और यहाँ अपने भाई मिल गए, क्या नाम है आपका? सागर। सागर भाई मिल गए, सागर भाई के पास ये गाड़ी रही भाई, सागर भाई की देख रहे MH18, क्योंकि सागर भाई ने पीछे से हॉर्न दिए। और इमरान भाई भी मुझे बोलने लगा अपनी मेवात की गाड़ी है, कोई भाग रही है पीछे से। हाँ अब ठीक है भाई, देख रहे भाई ऐसा कट्टर फैन चाहिए जो सारी चीज़ें देख रहे हो, बोल रहा है भाई को ठीक हो भाई। अब ठीक है भाई, ओके ओके ना, तभी हम जा रहे हैं। तो गाइज रखते हैं आज का व्लॉग यहीं से कंटिन्यू भाई, क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं। मैंने सोचा व्लॉग कंटिन्यू कर ही लेते भाई, क्योंकि गाड़ी यहाँ से निकल रही है ना, व्लॉग यहीं से कंटिन्यू रहना चाहिए। नहीं, नहीं। तो भाई अपने लोकली चलते हैं भाई, अच्छा लगा देख रहे हैं भाई की 14 चक्का, एक नंबर भाई, एक नंबर गाड़ी है। तो गाइज रात को कुछ नहीं दिख रहा, और यहाँ देख रहे हैं नंदूरबार लिखा हुआ है, नंदूरबार। तो चलो भाई चलते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आज नाइट का सफ़र अब। तो भाई यहाँ रही अपनी भाई की गाड़ी, देख रहे हो वेस्ट बंगाल नंबर, सुबह ही दिखाएंगे अपने भाई हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक भाई आपका? पवन कुमार। पवन कुमार देख रहे हो, पहले भी अपने विक्की भाई मिले थे मुझे, मतलब वेस्ट बंगाल वाले बहुत सारे भाई मुझे मैसेज करते हैं राजा भाई कब आ रहे हो कब आ रहे हो। फाइनली अपने भाइयों के साथ अपना सफ़र हो जाएगा सुबह भाई कंटिन्यू, क्योंकि रात को क्या दिखाएंगे, दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि रात को ना अंधेरे में पता ही नहीं चलेगा। तो चलो भाई की 14 चक्का है, कल कभी एक गाड़ी में कभी दूसरी गाड़ी में शिफ्ट होते रहेंगे। तो कहाँ का आपका लोड, कौन से बॉर्डर पे? कोलकाता, गुजरडंगा। गुजरडंगा गट्ठे गट्ठे जाएंगे भाई, अब जो खर्चा होगा आप बताते रहे ना। और पीने क्या पानी शानी पीने? हाँ हाँ जाओ है? तो चलो भाई पहले पानी वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि प्यास बहुत ज्यादा लगी है। तो अपने दीपक भाई और आपका नाम क्या था? पवन। पवन भाई के साथ सफर हो जाएगा, एक नंबर। बस थोड़ा वेट कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी में पेमेंट वगैरह डालनी है, बाकी ऑयल वगैरह इन्होंने फुल कर दिया, फिर यहाँ से निकलते हैं। उससे पहले छोटू जी चैनल। तो गाइस सुबह के 8:30 बज चुके हैं भाई, और मैं सोया था सुबह 5 बजे भाई। ऐसा सीन हो गया भाई टूल पे आके ना, टूल वालों ने ऐसा सीन कर दिया कि आपके फास्टैग में बैलेंस वगैरह नहीं है भाई। तो बैलेंस ऑलरेडी मैंने 13,000 डाल के रखा हुआ था, फिर मेरी आँख खुल गई अचानक की भाई, 2 घंटे से सोया आँख खुल गई। इमरान भाई चल रहे हैं कंटिन्यू भाई, देख रहे हो, और रोड एक नंबर गाइस। और अभी हम पहुँचे अकोला, अकोला पार कर रहे हैं, अपनी दूसरी गाड़ी आगे चलेगी। फर्क इसलिए पड़ गया क्योंकि गाइस टूल पे ना उन्होंने रोक लिया था भाई, उनको पता भी है मिर्च वाली गाड़ी है ना, इसका एक मिनट भी बहुत कीमती होती है भाई। तो चलो गाइस कंटिन्यू चल रहे हैं भाई, अभी कहीं रुकेंगे, मुँह हाथ धोएंगे, उसके बाद चाय वगैरह पियेंगे और भागते रहेंगे भाई, भागते रहेंगे। तो गाइस पहुँच चुका है भाई अमरावती, और भाई अभी सोचा सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि गाइस टाइम बहुत कम है ना। और यहाँ देख रहे हैं अपने हाईवे नेस्ट कुछ ऐसे मतलब शॉप वगैरह, यहाँ कुछ खाएं पिएंगे फिर भाई यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि गाइस रास्ते में ना टाइम ही नहीं मिलेगा। तो चलो चाय वगैरह पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। क्या चाय? टाइम कम है ना भैया, दे दो चाय। दे दो चुके हैं हम ढाबे में, राजा भाई कर रहे हैं नींद पूरी, अभी उठ के गाड़ी लगा लिए भाई नीचे, और के इधर खाएंगे खाना, पहले बाथरूम जाएंगे फ्रेश होंगे है ना। तो सेब
भजन भाई भी थक चुके हैं बहुत पूरे। भजन जाने दो जाने दो, व्हाट्सएप कर दिया आपको। आप भाई को दिखाते हैं आपको भैया। आ चुके हैं इसे बहुत बड़े तालाब में, देख सकते हो तालाब नहीं है पुत्र। तो गाइस फाइनली भाई पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे, और गाइस चेक कर रहे हो भाई बहुत बड़ी झील है यहाँ पे, देख रहे हो। हमने सोचा फ्रेश पानी से ही नहाएंगे क्योंकि भाई वहाँ ना पानी था लेकिन वो अच्छा पानी नहीं था। यहाँ देख रहे हो भाई मैंने तो सिर्फ सारी दोया नहाया नहीं, क्योंकि पंप पे जाके ना रुकेंगे, वहाँ डीजल वगैरह डालेंगे और वहीं नहाएंगे। मैं और भाई बोल रहे हैं दीपक भाई कि हमें वहीं नहाना है, दीपक भाई के साथ ही निकल रहे हैं आज। अच्छा लग रहा है देखो अपने भाई है ना यार, तो अगट्ठे अगट्ठे चल रहे हैं क्योंकि एक जगह ना टूल पे हमारे साथ थोड़ा पंगा सा हो गया था, फिर ये चले गए थे बहुत आगे, फिर भाई रुके वहाँ पे, फिर उसके बाद ना अगट्ठे अगट्ठे हो गए और अपनी गाड़ियाँ लगी हैं वहाँ पे होटल पे, देख रहे हो। तो गाइस ऐसी झील होनी चाहिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, तो नहाते भाई लेकिन यहाँ नहीं नहाएंगे हम, नहाएंगे पंप पे सीधा। तो चलो यहाँ से चलते हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं फिर यहाँ से भागेंगे भाई क्योंकि टाइम कम है। नागपुर भाई पार कर लिया, पार करके आगे देख रहे हो भाई आगे के चल रहा है, और गाइस चेक कर रहे हो भाई एक नंबर ठंडा मौसम। और यहाँ देख रहे हो छोटू का डोर भी हमने ओपन कर लिया, ये वाला डोर है छोटू यहाँ से अंदर बाहर जाता है, यहीं से जाता है ना, यहीं से जाता है, देख रहे हो छोटू का डोर करते हैं बंद क्योंकि भाई ठंड लग रही है। चलो तो गाइस कंटिन्यू चल रहे हैं क्योंकि भाई रुकने का नाम नहीं लेंगे, पीछे भी हमने टाइम थोड़ा वेस्ट कर लिया खाना वाना खाने, वैसे देखा जाए तो मिर्च लोड करके भाई खाना क्या पानी तक नहीं पीने होता, टेंशन रहती है ना कि मंडी 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 बहुत लगती है ना, खींच बहुत लगती है भाई, देख रहे हो मिर्च लग रही है हाँ भाई, और मिर्च की गाड़ी में लोड करके ना गाइस मिर्च लगती है आंखों में, वैसे तो कई बंदूक में मिर्च लगी हुई है, हमारे ब्लॉग देख के ना कई बंदूक में मिर्च लगी हुई है जो उल्टी सीधी स्टोरी डाल रही है। चलो भाई तो भाई एक बात बोलना चाहूंगा भाई, सॉरी भाई जो आज भाई मिले, मैं दो बार सोया हुआ था और दो बार इमरान भाई ने बोला कि काफ़ी भाई मिले, और काफ़ी भाई ने पूछा राजा भाई कहाँ पे, हमने बोला सीधा सोए, वो भी चलती गाड़ी में भाई, भाई रुके नहीं, सॉरी इसके लिए क्योंकि गाइस आपको पता भाई मिर्च भर गए ना, मैं बोल रहा हूँ ना रुकना भी नहीं पड़ता टोटली, एक मिनट भी नहीं रुकना पड़ता, आगे हम लेट हो गए भाई एक जगह खड़े रहे, तो आगे जाके एक जगह रुकना से 10 मिनट और रस्से मतलब रस्सा वगैरह दोबारा टाइट कर रहे हैं क्योंकि भाई ढीला हो चुका है, तो सॉरी भाई दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपको पता भी है मिर्च वाली मंडी करके ना फिर खड़ा नहीं होने पड़ता है, रुकना भी नहीं पड़ता, जो अपने भाई है गाड़ी वाले वो तो समझ रहे होंगे। तो गाइस पहुंच चुके हैं भाई पेट्रोल पंप पे, आपको पता भी है हमने गाड़ी जब वहां से ट्रांसपोर्ट से निकले थे तब टैंक फुल करवाया था, उसके बाद भाई ये लोडिंग करके वापस नागपुर पार करके काफ़ी भाई हम बॉर्डर पहुँचने वाले हैं रायपुर, उड़ीसा छत्तीसगढ़ की है ना, महाराष्ट्र बॉर्डर छत्तीसगढ़ लगेगा, छत्तीसगढ़ लगेगा ना। तो गाइस अब हम महाराष्ट्र बॉर्डर पार करके छत्तीसगढ़ में एंटर हो जाएंगे, उससे पहले भाई यहाँ से तेल वगैरह फुल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ ठीक है तेल का रेट, तेल का है 92 रुपये, वहाँ छत्तीसगढ़ में 95 रुपये भाई, 3 रुपये का फ़र्क है, देख रहे हो भाई भी फुल करेंगे टैंकी और हम भी करेंगे। तो गाइस आज चेक कर रहे हैं भाई अपने बादशाह की एवरेज एक बार फिर से, क्योंकि जब हम वहाँ से निकले थे ना हमने वहाँ से फुल किया था, और आपको यहाँ दिखा देते हैं भाई देख रहे हो 93 रुपये रेट, यहाँ देख रहे हो बहुत डेंसिटी भी अच्छी है 82। तो चलो टैंक वगैरह फुल कर लेते हैं भाई, देखते हैं कितने का आ रहा है कितना नहीं, उससे पहले भाई देख रहे हो रस्सी वगैरह डिली हो गई, इमरान भाई रस्सी वगैरह डिली हो गई सर सर, देख रहे हो भाई रस्सा वगैरह सारा डीला हो गया, गिरेगा तो नहीं। तो गाइस हालत चेक कर रहे हो, पता चल रहा है कि बादशाह जो भाई पहचानने वाले हैं ना वो पहचान ही लेते हैं पीछे से, देख रहे हो गाइस हालत, और ऊपर से ना मिर्च वगैरह बैठ गई, मैं डर गया था भाई, मैंने सोचा एक बोरी ना यहाँ से गिर गई है, देख रहे हो भाई सारा तरपाल वगैरह बैठ गया और रस्सी पूरी डील हो गई। चलो गाड़ी साइड पर लगाते हैं पहले टैंक वगैरह फुल करते हैं, उसके बाद भाई यहाँ से ना फिर निकलेंगे क्योंकि आप रस्सा वगैरह टाइट करना पड़ेगा और ऐसा सीन ना होना चाहिए कि सारा माल वगैरह गिर जाए। तो गाइस यहाँ पहुँचते ही भाई सीन हो चुका ख़राब, यहाँ देख रहे हो भाई अरे यार फिर नीचे नीचे क्या टूटा तो नहीं है नीचे से, ये क्या है लीकेज भाई यहाँ ऊपर से कर रहा है, तो भाई पूरा अपना यूरिया वगैरह गिर गया क्योंकि लीकेज वगैरह कर रहा है, तो भाई देखते हैं क्या सीन रहा है। चलती गाड़ी में नहीं है, मैं चलती गाड़ी में है, चलती गाड़ी में भी गिर रहा है। तो गाइस अपनी गाड़ी में आए हैं लीटर, देख रहे हो 257 लीटर 30,999। चलो भाई स्कैन वगैरह करते हैं फिर वहाँ से देखते हैं।
बात है यार, अपने भाई अपनी जान करवाना अपने भाई। तो गाइस यहाँ मिल चुके हैं अपने भाई यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देख रहे हो भाई बाइक से चलेगा, आप निकले ना फिर वापस आ गए। क्या नाम है आपका? मेरा अनिकेत खंद्रे। अंकित भाई, और आपका? भौगोली सरकार। भाई देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है, भाई बोलते हैं कि भाई आपको देखते हैं हम और अचानक मिलेंगे। आप भाई बोल रहे हैं कि मैं आपको कश्मीर का वीडियो देखता हूँ, आप यहाँ पहुँच गए। भाई ऐसा ही होता है, देखो जिनके मुकद्दर में है हमारा मिलना तो वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि रात को गुजरात में मैं ऐसे एक जगह गया, एक भाई देख के परेशान हो गया, बोलता है राजा भाई आप सच में हो? मैंने बोला भाई सच में हो। बोलता है यार आप यहाँ कैसे आ सकते हो? भाई देखो जहाँ का मतलब लिखा हुआ है खाना पीना, वहाँ तो जाना ही जाना है। इससे पहले अपने भाई से करते हैं बातें, फिर अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क कर ली, थोड़ा तरपाल वगैरह उठा लेते हैं भाई क्योंकि वो ढीला हो गया है। हाँ जी, क्या क्या उधर सटो यार, इधर से ऊपर हो जाता है, उधर से खींच रहा है तू। तो भाई देख रहे हो तरपाल वगैरह सेट नहीं आ रहा है, और वहाँ देख रहे हो भाई ने पीछे से सारा तरपाल उठा लिया। हाँ ऐसे क्यों करते हैं पता है? ताकि मिर्ची ख़राब ना हो जाए, मिर्ची को हवा लगे। और गाइस देख रहे हो मिर्ची वगैरह, ये स्कीम है भाई, मैं तभी बोल रहा हूँ ये बराबर करो इसको। तो भाई चलो पहले तरपाल कर लेते हैं भाई कंप्लीट, फिर यहाँ से निकलेंगे क्योंकि लेट हो गए भाई। हाथों की हालत देख रहे हो भाई, शाम के बज रहे हैं 7:30। तो ये देख सकते हो भाई काम हो चुका है, चालू चीज़ साफ कर रहे हैं राजा भाई, कर रहे हैं भाई रस्सा, देख पीछे इमरान भाई तो राजा भाई कर रहे हैं रस्सा। आधा घंटा यहाँ वेस्ट कर लिया और अपने रस्सा तरपाल बिल्कुल ओके कर दिया भाई, और ऊपर देख रहे हो बारिश भी होगी, रब न करके बारिश हो गए। और चेक कर रहे भाई साइड साइड से ना पूरा तरपाल वगैरह हमने ऊपर कर लिया भाई, और पसीना चेक कर रहे हो बहुत ज़्यादा है भाई। तो चलो इतना रब का शुक्र है, थोड़ा एडवांस आ गए थे। और भाई यहाँ देख रहे हो मिर्च वगैरह थोड़ी थोड़ी गिर गई है, देख रहे हो बाकी पीछे भी ओके कर दिया भाई ने भी पीछे से उठा लिया। तो गाइस चलो पहले जल्दी जल्दी यहाँ नहाते धोते हैं भाई, फिर यहाँ से निकलते हैं, और कपड़े वगैरह चेंज करने थे गाइस वो भी करेंगे। तो गाइस करते हैं साथों साथ इस व्लॉग को एंड, क्योंकि गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं साथ साथ एक कंटिन्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।